पहले बड़े से बड़ा अपराधी अपराध को अंजाम देने के बाद बहुत ही आसानी से पुलिस की पकड़ से दूर चला जाता था, लेकिन अब कोई भी अपराधी पुलिस के पहुंच से दूर नहीं होगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। गोरखपुर पुलिस अब हाईटेक होने के साथ ही साथ पब्लिक के साथ फ्रेंडली होने पर फोकस्ड है। आईजी जोन मोहित अग्रवाल के निर्देश पर जोन के सभी थानों पर उस क्षेत्र के नामचीन अपराधियों की लिस्ट चस्पा करने के साथ साथ उस क्षेत्र की जनता के बीच जाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं और उन्हें अपराधियों की कोई भी जानकारी मिलने पर बिना किसी डर भय के संबंधित थाने को सूचित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और पुलिस के अधिकारी अपने क्षेत्र में जाकर अपराधियों के बारे में जनता को बताकर जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस अपनी छवि जनता के बीच में सुधारने में कितनी कामयाब होती है। ध्यान पूर्वक सुनिए, आपके मोहल्ले में रहने वाला गौरी शंकर पुत्र चंदन शर्मा निवासी सिविल लाइन थाना कैंट का सक्रिय अपराधी है। मोहल्ले में रहने वाला गौरी शंकर पुत्र चंदन शर्मा निवासी सिविल लाइन थाना कैंट का सक्रिय अपराधी है तथा उसकी अवांछनीय हरकतों से पुलिस को अवगत कराते रहे। धन्यवाद। ध्यान पूर्वक सुनिए, आपके मोहल्ले में रहने वाला गौरी शंकर पुत्र चंदन शर्मा निवासी सिविल लाइन थाना कैंट का सक्रिय अपराधी है। यह लूट छिनौती और कर से सावधान रहे। धन्यवाद। खबरदार मोहल्ले वासियों, ध्यान पूर्वक सुनिए, आपके मोहल्ले में रहने वाला सौरभ पांडे निवासी सिविल लाइन थाना कैंट का सक्रिय अपराधी है। यह लूट चोरी छिनौती जैसे घिनौने अपराध करता है, अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप सौरभ पांडे से सावधान रहिए तथा उसकी अवांछनीय हरकतों से पुलिस को अवगत कराते रहे। SSP आनंद देव ने कहा कि अपराधी भी सामाजिक प्राणी होता है, उसे अपनी पहचान छुपाने के लिए समाज की जरूरत पड़ती है और जनता की मदद से हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। अपराधी या आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है और अपराधिक तत्व होता है जिसका इम्पैक्ट समाज में गलत रूप से पड़ता है, उसके कारण ही उसकी निसेंस वैल्यू वहाँ पर होती है। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो समाज में जहाँ पर उसे रहना होता है उसे एक सामाजिक नैतिक समर्थन की भी आवश्यकता होती है उसको वहाँ रहने के लिए, और उस समाज के लोग उसके बारे में उसके आपराधिक कृत्य के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। अगर वो जानकारी उनको दे दी जाती है गाँव वालों को, तो सबसे पहली बात तो गाँव वालों की जो एक सामाजिक समर्थन होता है वो उससे कट ऑफ होता है, वो अकेला पड़ता है। दूसरी बात, समाज के वो सभी लोग जो लोग वहाँ पे होते हैं वो लोग पुलिस को, सिस्टम को, लॉ अबाइडिंग पर्सन्स को और कानून को पालन करने में सहयोग करते हैं। तो दोनों बातें होती हैं, एक तरफ गांव के आदमी पुलिस को सूचना दे करके उसके विरोध में खड़े होकर के एक सही बात का समर्थन करते हैं।